जिला मद उत्पाद विभाग पहुंचे चांडिल डैम रोड स्थित अनुज्ञप्ति प्रदत्त शराब की दुकान की चोरी की घटना की सूचना मिलने पर जायजा लेने के लिए। रविवार की रात्रि नाइट गार्ड की ड्यूटी में मदन प्रमाणिक और जैन प्रमाणिक ड्यूटी पर थे। करीब 12 बजे के आसपास पानी पड़ने के कारण दोनों अपने अपने घर चले गए। मौका मिलते ही चोरों ने मुख्य गेट का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस संबंध में चांडिल थाना में अज्ञात लोगों के नाम पर मामला दर्ज कराया गया है। इसको देखेंगे आप लोग, हटा के ले दिया गया है वहाँ से। कितना था? कैशेस में 141,000 रुपये नगद रखा हुआ। अच्छा, ठीक है। और शराब की जो चोरी हुई है कुल 50 पेटी 16 पीस है। अच्छा, इसका मूल्य 3,70,200 रुपये का जो लीकर है शराब है। अच्छा, इसमें जांच कराई जाएगी ना। थाना में FIR किया जा रहा है। दो गार्ड यहाँ पे काम करते थे, ठीक है ना, और गार्ड बिना बताए कल रात्रि में सेंट गया। कुछ समय आए, काम किए, कुछ देर के बाद इन लोगों का कहना है कि हम चले गए। तो ये जांच होगी कि आप क्यों चले गए, है ना, किसके आदेश पे चले गए। इनकी ड्यूटी सुबह रात 10 से सुबह 10 बजे तक की थी जी। और सर केस उन लोगों का मिनिमम विषय है कि अंदर में पैसा कहाँ रखा हुआ है, है ना। जाँच करनी सर, आप कौन पता कर सर? सब इंस्पेक्टर, क्या नाम आपका? साइज अखिलेश कुमार। ठीक है। और शराब है तो कंजप्शन के लिए शराब होता है, कहीं वो बेच भी सकता है या पी भी सकता है। और नगद कैश लग रखी रहती है सभी दुकानों का, उस दिन का जो बिक्री होता है वो कैश चेस्ट में सुरक्षित रखा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे चोरों ने कैश चेस्ट को ही तोड़ के कबाड़ के ले गया। चोरी की घटना की जानकारी देते हुए उपनिरीक्षक शैलेश कुमार ने कहा कि चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के डैम रोड स्थित अनुज्ञप्ति प्रदत्त देशी शराब की दुकान में 141,000 कैश मौजूद थी। वह पैसा भी चोरों ने लॉकर तोड़कर ले लिया है। साथ ही 50 पेटी विदेशी शराब के विभिन्न ब्रांड के बोतल भी चोरों ने चोरी की है, जिसकी कीमत 3,70,000 रुपये है। मेरे साथ और एक सहयोगी गार्ड है, वो FLX 014 में काम करते हैं। लेकिन ये लोग बता रहे कल चोरी हो गया, उस वक्त आप कहाँ थे? जी ये तो घटना सत्य की चोरी हुई है, तो कल 10 बजे ड्यूटी आके अपने ग्रुप में हाजिरी भी बना चुका था। उसके बाद फिर हल्की हल्की बारिश होने लगी, मच्छर भी काट रही थी, तो इस बीच बगल में घर है तो गलती इतना ही था कि घर चले गए। तो मुहैया कराया गया नहीं है, और अगल बगल जो भी दुकान है इधर ही हम लोग रात को रुकते हैं। और वहाँ पर बैठने कोई जगह नहीं है? नहीं, दुकान के स्थाई जगह नहीं है, दुकान में कोई स्थाई जगह नहीं है। घर अगल बगल जो भी दुकान दिख रहे हैं वो दुकान के वही छज्जा में रह जाते हैं। ठीक है। बरसा में भी? हाँ, बरसा में। और पेटी थका? जी सर, यहाँ पेटी ले गया और यहाँ उठाया था। और इधर से ब्लेंडर यहाँ पे रखा हुआ था, केवल 6 पेटी था, 3 पेटी इसमें से ले गया। और इधर से लेमन मंथा ले गया।